हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई ए बायनोमियल टू ए बायनोमियल। ठीक है, इससे पहले हमने सीखा था कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें, मोनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें और मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। और इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक बायनोमियल को दूसरे बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देखिए, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मोनोमियल मोनोमियल से बायनोमियल से या ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो आप ये सीख नहीं पाएंगे कि बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से अपन डिस्कस करते हैं। अपने पास एग्जांपल है 2a प्लस 3b, बायनोमियल है दो टर्म, 3a प्लस 4b ये भी बायनोमियल है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 2a को मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट बायनोमियल से, 3a प्लस 4b। ठीक है, 2a को मल्टीप्लाई कर दिया इस बायनोमियल से, अब साइन कैसा है? प्लस। अब इस 3b को भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम बायनोमियल से, 3a प्लस 4b। ठीक है, अब अपने पास वो बन गए जैसे अपन ने मल्टीप्लाई किए थे मोनोमियल को बायनोमियल से, मोनोमियल को बायनोमियल से। आगे बढ़ते हैं, 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 3a से, तो क्या आएगा? 2 3 जा 6 और a a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर। अब 2a को मल्टीप्लाई करेंगे 4b से, तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 ए बी, ए बी से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा? ए बी आएगा प्लस। ऐसे ही करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 3b किससे होगा मल्टीप्लाई? 3a से, तो क्या आएगा? 9ba प्लस। अब 3b मल्टीप्लाई होगा किससे? 4b से, तो क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं, 6a स्क्वायर प्लस 8ab, 9ab, ba, ab एक ही बात होता है, कितना हो जाएगा? 9 और 8 17ab प्लस 12b स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल। मल्टीप्लाई करना है अपने को x माइनस 4 को 2x प्लस 3 से। ठीक है, कैसे करेंगे? इस बायनोमियल का फर्स्ट टर्म इस बायनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, अब साइन कैसे अपने पास? माइनस। अब ये माइनस 4 मल्टीप्लाई किससे होगा? इस बायनोमियल से 2x प्लस 3। ठीक है, अभी अपने पास बन गए मोनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करने वाली तरह, एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2x स्क्वायर। एक्स को 3 से करेंगे क्या आएगा? 3x। अब माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, कितना आएगा? माइनस 8x। माइनस 4 को 3 से करेंगे माइनस 12। आगे बढ़ते हैं, ये आएगा अपने पास 2x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 5x माइनस 12। ठीक है, ये हमारे पास दो एग्जांपल थे। अब आगे पढ़ते हैं अपन कि बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एक ट्राइनोमियल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि बायनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें। ये अपने पास एक एग्जांपल है, जैसे अपन ने भी मल्टीप्लाई किया था बायनोमियल को बायनोमियल से, वैसे ही करना है। ठीक है, ये ए है अपने पास, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 से। अब अपने पास साइन कैसे? प्लस। 7 मल्टीप्लाई होगा किससे?
इस ट्राइनोमियल से, ए स्क्वायर प्लस 3 ए प्लस 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस, अब एक को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए से तो कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर। एक को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 ए प्लस, 7 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7 ए स्क्वायर। 7 को 3 ए से करेंगे, 7 3 जा 21 ए, अब 7 को 5 से करेंगे, 7 5 जा 35। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर देते हैं, जैसे कि 3 ए स्क्वायर 7 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 ए स्क्वायर, 5 ए 21 ए कितना हो जाएगा, 26 ए, कॉन्स्टेंट टर्म है 35, ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उतारना चाहें तो आप वीडियो को रोक के उतार सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 से। अभी हमने सीखा था एग्जांपल से कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 2x इस बायनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 भी इस बायनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, साइन का आपको ध्यान रखना है। 2x मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3 से। ठीक, अब इन दोनों के बीच का साइन कैसा है, प्लस तो प्लस आएगा 5, इस बायनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 3, करते हैं मल्टीप्लाई, 2x को 4x से करेंगे क्या आएगा, 2 4 जा 8x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे 2 3 जा 6x प्लस, 5 को 4 से करेंगे 20x, 5 को 3 से करेंगे 15। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं, माइनस 6x प्लस 20x कितना बचेगा अपने पास, प्लस 14x माइनस 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 से। अपना प्रोसेस क्या होगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 4 से, अब करेंगे माइनस 8 को 3y माइनस 4 से, y 3y से मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, 3y स्क्वायर। ठीक, अब y को माइनस 4 से करेंगे क्या आएगा, माइनस 4y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर देखते हैं, अब माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y से तो क्या आएगा, 8 3 जा 24y, अब माइनस 8 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, प्लस 32, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या जाएगा, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 24y कितना हो जाएगा, माइनस 28y प्लस 32। ठीक है, आप वीडियो को रोक के उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, 2.5L माइनस 0.5M मल्टीप्लाई 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5L को इस बायनोमियल से, 2.5L प्लस 0.5M, साइन कैसे अपने पास, माइनस माइनस 0.5M, इस बायनोमियल से करेंगे मल्टीप्लाई 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है,
2.5L को 2.5L से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 6.25L स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2.5L को अपन करेंगे 0.5 से मल्टीप्लाई तो आएगा अपने पास 1.25 LM। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 0.5 M को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 L से, कितना आएगा 1.25 ML। माइनस 0.5 M को 0.5 M से करें तो क्या आएगा 0.25 M2। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे 1.25 LM प्लस का है, 1.25 ML या LM माइनस का है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा अपने पास 0.25 M2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, मल्टीप्लाई ए प्लस 3 B को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 से, ठीक है, दोनों अपने पास क्या है बाइनोमियल है, एक को मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल से, क्या है ये अपने पास एक्स प्लस 5। ठीक, अब प्लस 3 B को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 से, ठीक है, अब ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ए 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस 5 A प्लस, अब 3 B को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो ये कितना हो जाएगा 3 BX, 3 B को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 5 15 B। ठीक है, बस ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा, आप वीडियो को रोक के उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अपने को बायनोमियल दे रखे, दो दोनों को करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 PQ प्लस 3 Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 PQ माइनस 2 Q स्क्वायर से। ठीक है, हाँ, तो अपना प्रोसेस क्या था, 2 PQ मल्टीप्लाई होगा इस बायनोमियल से, करते हैं 2 PQ मल्टीप्लाई बाई 3 PQ माइनस 2 Q स्क्वायर। ठीक, अब करेंगे प्लस 3 Q स्क्वायर को 3 PQ माइनस 2 Q स्क्वायर से। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इससे क्या हो जाएगा मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाई बाइनोमियल, ये अपन ने स्टार्टिंग के पार्ट्स में सीखा था। अब 2 PQ को मल्टीप्लाई करेंगे 3 PQ से, 2 3 6, पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर, क्यों को क्यों से करेंगे तो क्यों स्क्वायर। ठीक है, आगे साइन कैसे, माइनस तो माइनस लगाएंगे, 2 को 2 से करेंगे 4। ठीक है, पी नहीं है, पी सेम आ जाएगा, क्यों को क्यों स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा क्यों क्यूब, प्लस 3 Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 PQ से, 3 3 9, पी ऐसे आ जाएगा क्यों स्क्वायर, और ये क्यों क्या हो जाएगा क्यों क्यूब। अब 3 Q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 Q स्क्वायर से, 3 को जब अपन माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 6, और क्यों स्क्वायर को क्यों स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा क्यों पे पावर 4। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप शुरू से देखिए पार्ट फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं,
3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b² मल्टीप्लाई 4a² माइनस 2/3b², ठीक है। क्या करते हैं, पहले इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/4a² प्लस 3b² इंटू 4 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा अपने पास, 4a², ठीक है। 4 को इससे करेंगे कितना हो जाएगा, 4 2 8/3b², ठीक। अब अपने पास पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही फॉर्मेशन आ गई, क्या करेंगे 3/4a² को मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल से और 3b² को भी इस बाइनोमियल से। करते हैं 3/4a² इंटू 4a² माइनस 8/3b², ठीक है, प्लस 3b² मल्टीप्लाई 4a² माइनस 8/3b², ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं मल्टीप्लाई, 3/4a² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4a² मल्टीप्लाई 4a² माइनस 3/4a² मल्टीप्लाई 8/3b², साइन प्लस का 3b² मल्टीप्लाई होगा 4a² से और माइनस 3b² मल्टीप्लाई होगा 8/3b² से, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा, 4 2 8 और कैंसिल हो रहा है 3 3 से। अब आगे करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, 3a² को a² से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पे पावर 4, यहाँ से अपने को मिलेगा 2 बचा है और a² b² ठीक, इसको कैंसिल कर दिए थे अपन 2 टाइम, प्लस 3 4 12 a² b² यहाँ से मिलेगा माइनस 8b पे पावर 4, ठीक है। लाइक टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं, 3a पे पावर 4 माइनस 2a² b² 12a² b² कितना बचेगा, ये प्लस का ये माइनस का, 10a² b² माइनस 8b पे पावर 4, ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा से देख लेना, आप वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिए। अपने पास प्लस का आएगा, माइनस का 2 है, प्लस का 12 है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में। इसमें क्या करना है, अपने को इसमें भी प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल को बाइनोमियल से। अभी अपन किए थे 5 6 क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा इस बाइनोमियल से, वैसे ही माइनस 2x भी मल्टीप्लाई होगा इस बाइनोमियल से, 5 × 3 + x, साइन कैसे अपने पास माइनस 2x, अब माइनस 2x इससे मल्टीप्लाई होगा 3 + x, 5 3 = 15, 5 को x से करेंगे 5x, माइनस 2x को 3 से करेंगे 6x, और माइनस 2x को x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x² ठीक।
अब माइनस टू एक्स स्क्वायर को आगे रख लेते हैं, लाइक टर्म को ऐड कर लेते हैं, माइनस का 6x और प्लस का 5 है, तो कितना बचेगा, माइनस एक्स प्लस 15। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड करते हैं। एक्स मल्टीप्लाई किससे होगा, 7x माइनस वाई से। ठीक है, ऐसे ही प्लस 7y भी मल्टीप्लाई होगा 7x माइनस वाई से। करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स को 7x से करेंगे तो 7x स्क्वायर, एक्स को वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई, प्लस 7y को 7x से करेंगे तो 7×7=49yx, और 7y को माइनस वाई से करेंगे तो −7y². ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 7x². आप देख पा रहे हैं माइनस एक्स वाई 49xy या yx एक ही बात होती है, ये प्लस का है ये माइनस का है, 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आएगा 48, वेरिएबल सेम, −7y². ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया दोबारा से देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर को ए प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, अब करेंगे प्लस बी को ए प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होएगा तो क्या आएगा ए क्यूब, ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होएगा बी स्क्वायर से तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस बी ए से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा ए बी, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बी क्यूब, पावर एड हो जाएंगे। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4। मल्टीप्लाई करते हैं पी स्क्वायर को 2p प्लस क्यू से, माइनस क्यू स्क्वायर को 2p प्लस क्यू से। ठीक है, एक बार इस टर्म को करेंगे इससे और एक बार इस टर्म करेंगे इन दोनों से, पी स्क्वायर को 2p से करेंगे 2p क्यूब, प्लस पी स्क्वायर को क्यू से करेंगे तो पी स्क्वायर क्यू माइनस, अब माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2p से तो क्या आएगा 2p क्यू स्क्वायर, और माइनस क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्यू से तो क्या आएगा क्यू क्यूब। ठीक, यही अपना सॉल्यूशन है, आप वीडियो को रोक के उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट डिस्कस करते हैं, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 5 से, अब करेंगे माइनस 5 से, और प्लस 25 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x², माइनस 5 को एक्स से करेंगे माइनस 5x, और माइनस 5 को प्लस 5 से करेंगे तो −25, और ये +25। ठीक, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में है, तो अपने को क्या मिलेगा रिजल्ट, x³ + 5x² - 5x। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा
वी स्क्वायर प्लस 3 से अब प्लस 5 को करेंगे, सॉरी बी क्यूब है ये, बी क्यूब प्लस 3 से प्लस 5। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, ए स्क्वायर को बी क्यूब से करेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। ए स्क्वायर को 3 से करेंगे, 3 ए स्क्वायर, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब से, 5 बी क्यूब, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा, 5 3 जा 15 प्लस 5। तो अपना सॉल्यूशन क्या आएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 15 प्लस 5 20, ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, मल्टीप्लाई टी को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस से, अब प्लस एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस से, टी टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, टी क्यूब, टी को एस से करेंगे तो टी एस, एस स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और एस स्क्वायर को जब माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एस क्यूब, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी से, ठीक इसी प्रकार करेंगे बी को भी सी माइनस डी से, अब ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी से, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी प्लस डी से, ठीक है, और इस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, टू ए सी प्लस में टू बी डी, ठीक है। जैसे अपन ने इनमें मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही कर रहे हैं, ये बायनोमियल है ये भी बायनोमियल है, पहले इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस डी से, यहाँ पे कर दिए, अब फिर करेंगे बी को इस सी माइनस डी से, ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ए को करेंगे सी प्लस डी से, फिर माइनस बी को करेंगे सी प्लस डी से, और टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। करते हैं सोल्व, यह आएगा अपने पास ए सी माइनस ए डी, यह आएगा बी सी, ये हो जाएगा अपने पास माइनस बी डी, आगे करेंगे ए को सी से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ए सी, अब ए को डी से करेंगे तो क्या आएगा प्लस ए डी माइनस बी सी, और ये माइनस बी डी, ये टर्म सेम रहेंगे ए सी प्लस टू बी डी, ठीक है। अब कोई कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देंगे, और कोई ऐड होगा तो उसको ऐड कर देंगे, देखते हैं ए सी, ये भी ए सी और ये टू ए सी, कितना आ जाएगा, वन टू और टू फोर, क्या आ जाएगा, फोर ए सी। आगे बढ़ते हैं, माइनस ए डी और ये प्लस में ए डी, कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी माइनस बी सी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी डी और ये माइनस बी डी, कितना हो जाएगा ये, माइनस टू बी डी, सॉरी अपने पास क्या बचिए, और प्लस टू बी डी, ठीक है, माइनस का टू बी डी और ये प्लस का टू बी डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, फोर ए सी, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आप वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई को 2x से प्लस वाई से। एक्स मल्टीप्लाई होगा किससे? 2x प्लस वाई से। अब करेंगे किसको? वाई को 2x प्लस वाई से। ठीक, ऐसे इसमें करते हैं, साइन प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। एक्स को करेंगे एक्स माइनस वाई से। अब करेंगे प्लस 2y को एक्स माइनस वाई से। ठीक है, एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2x स्क्वायर। एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? एक्स वाई। वाई को 2x से करेंगे तब क्या आएगा? 2xy। अब y को करेंगे y से तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स को करेंगे y से तब एक्स वाई। 2y को x से करेंगे तो 2xy, और 2y को माइनस वाई से करेंगे 2y स्क्वायर। ठीक, अब जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर लेते हैं। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। 2xy कितना होगा? 3xy, और ये 2 5xy माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा? 4xy। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो क्या करो? xy से xy कैंसिल, 2xy, और 2xy कितना हो जाएगा? 4xy प्लस का आएगा। ठीक है, दोनों प्लस के। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये माइनस का 2y स्क्वायर है, ये प्लस का वाई स्क्वायर है, तो बड़ा नंबर यही है, तो क्या जाएगा? वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या करेंगे? बायनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक, और प्लस वाई को करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, करते हैं। एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? एक्स क्यूब। एक्स को एक्स वाई से करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई। एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे तब क्या आएगा? एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सही। वाई को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे तब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई। वाई को माइनस एक्स वाई से करेंगे तब एक्स वाई वाई से होगा तब क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अब वाई मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? वाई क्यूब। ठीक, इसमें भी क्या करते हैं? जो लाइक टर्म है उनको एड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास? सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, समझ में आया होगा? आप वीडियो रोक कर इसके उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x को 1.5x प्लस 4y प्लस 3 से। हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4y को 1.5x 4y प्लस 3 से। ये आगे का नंबर सेम रहेगा, 4.5x प्लस 12y। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं करनी बिल्कुल भी। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2.25। ठीक, मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 225। डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगेगा? 1, 2। ठीक, x को x से करेंगे x स्क्वायर।
अब 1.5x को 4y से करेंगे, तो पहले क्या करते हैं, 1.5 को 4 से करते हैं, तो क्या आएगा, 6.0। एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई। अब 1.5 को 3 से करें कितना आएगा, 4.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5x से, तो क्या आएगा, ये 1.5 को 4 से किए तो 6.0, अभी पढ़ने पीछे किया था। एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई, 4 को करेंगे 4 से, ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा प्लस से, तो क्या आएगा, माइनस 4 4 जा 16y2। माइनस 4y को करेंगे 3 से तो 4 3 जा 12y। ठीक, आगे का टर्म एज इट इज है 4.5x + 12y। अब जो लाइक टर्म उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2.25x² में सिर्फ एक ही टर्म है, 6.0xy, 6.0xy, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, 4.5, यहाँ पे साथ में x भी आएगा, 1.5 को x से मल्टीप्लाई किया जब x भी, तो आएगा 4.5x और ये 4.5x। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, 12y 12y, ये माइनस में ये प्लस में, तो अपने पास क्या बच गया, अब सिर्फ -16y². ठीक है, आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को उतारिए, बस एक क्वेश्चन हो रहा है इस एक्सरसाइज का, फिर वो करते हैं। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से ही मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, पहले ये ए इस ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी होगा, फिर सी को करेंगे, करते हैं। a+b - c, साइन कैसा आएगा, प्लस, बी को करेंगे अब a+b - c, अब सी को करते हैं, सी a+b - c। ठीक है, अब क्या हो गया, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, ए को ऐसे करेंगे तो a², ए को बी से करेंगे तो ab, ए को सी से करेंगे तो -ac। यहाँ पे करते हैं, ए को बी से करेंगे या बी को ए से करेंगे तो क्या आएगा, ab, बी को बी से करेंगे b², बी को सी से करेंगे -bc, प्लस सी को ऐसे करेंगे तो ए सी, या सी ए भी लिख सकते हैं, सी को बी से करेंगे तो बी सी, सी को सी से ही करेंगे तो -c². ठीक है, अब देखते हैं लाइक टर्म ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं, ए बी, एक ए बी ये रहा अपने पास, कितना हो जाएगा, 2। पहले ए स्क्वायर को लिख लेते हैं, बावर बड़े हैं जो, a² b² - c² ए बी कितने हो गए, 2ab, -ac + ac कैंसिल, -bc + bc ये भी कैंसिल हो जाएगा, और कुछ बचेगा अपने पास, ठीक है, तो ये आपका आंसर होएगा। आप वीडियो रोक के इसको उतार लीजिए, पर आपको कहीं जाना नहीं है, एक्सरसाइज 9.5 के कुछ आइडेंटिटी अपन डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे 9.5। ठीक है, आप उतारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, a+b² को अपन ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये देखो बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, और बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये हमने अभी सीखा था, कैसे करेंगे, पहले इस a को मल्टीप्लाई करेंगे a+b से,
इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा ए बी, बी को ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ए बी, बी ए भी लिख सकते हैं एक ही बात है, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी है, ये भी कितना जाएगा टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगी अपनी फर्स्ट आइडेंटिटी, मतलब क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से मिलता है तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ए माइनस बी को भी ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से, जैसे अभी पीछे क्या है ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, माइनस बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, ए को मल्टीप्लाई किया ए से तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे माइनस ए बी, ठीक है, बी को ऐसे करेंगे तो माइनस ए बी, और बी को बी से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा माइनस टू ए बी, और ये प्लस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी अपने पास ये आ जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी थर्ड है अपने पास, छोटा ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या अपने को रिजल्ट मिलता है, करते हैं मल्टीप्लाई, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से ऐसे ही, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से, क्या मिलेगा ए को ऐसे किया तो ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे माइनस ए बी, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा प्लस ए बी, बी को बी से किया तो माइनस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलता है अपने को रिजल्ट यहाँ पे, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, एक आइडेंटिटी और है, आप इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये अपने पास लास्ट आइडेंटिटी है, इसको डिस्कस करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से, ऐसे ही ए को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स बी, ऐसे ही एक को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स, और एक को बी से करेंगे तब ए बी, अब क्या करते हैं इस टर्म और इस टर्म में से क्या करते हैं एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी बचेगा अगर एक्स अपन कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई ए बी, ठीक, तो अपन ने क्या सीखा जब x प्लस ए को x प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये अपने पास लास्ट आइडेंटिटी, ठीक, तो हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी, फर्स्ट क्या थी जब अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड क्या था ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ए प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर्थ
एक्स प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस बी से तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आपको ये चारों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, तभी आप जाके 9.5 एक्सरसाइज समझ पाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए आप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।